तो दोस्तों आई होप कि आप सब ठीक होंगे और मैं आशा करता हूँ कि आप जल्द से जल्द ठीक हो जाएंगे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि एंजाइटी से कैसे लड़ा जाता है, ठीक है, एंजाइटी से कैसे लड़े, क्या करें, क्योंकि काफ़ी लोगों को ऐसा डाउट रहता है कि बस कहीं से पता चल जाए कि हम इसे कैसे ठीक कर सकते हैं। वो लोग यूट्यूब पर सर्च करते हैं, गूगल पर अपने सिम्टम्स को सर्च करते हैं और ये ढूंढने की कोशिश करते हैं कि बस कहीं से कुछ पता चल जाए कि मेरे पीछे का कारण क्या है, मैं कैसे अपनी एंजाइटी को फेस करूं, कैसे मैं सीबीटी दूं, कैसे मैं लाइक ये प्रॉब्लम से बाहर निकलूं। क्योंकि मैं जानता हूं दोस्तों इस प्रॉब्लम में हम बहुत थक जाते हैं, हम हार जाते हैं, हर चीजों से हम डरते हैं, हमें समझ नहीं आता कि हम क्या करें, कहाँ जाए, कौन से डॉक्टर के पास जाए, किससे बात करें, कौन मेरी प्रॉब्लम को समझेगा। क्योंकि हम चाहे कितने भी कितने भी प्रॉब्लम हम लोगों के साथ शेयर करें, वो हमारी प्रॉब्लम्स को नहीं समझ पाते। तो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि एंजाइटी से लड़ते कैसे हैं, क्योंकि अगर आपको एंजाइटी हुई है और आप उसे लड़ नहीं पा रहे हैं, तो आप उसे निकल भी नहीं पाओगे दोस्तों। क्योंकि देखो यहां पर दो चीजें हैं, हालांकि मैं इसके खिलाफ नहीं हूं, बट मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंगली आप लोगों को बता रहा हूं, ठीक है। सबसे पहली बात, जो सप्लीमेंट्स होते हैं, जो एंटी डिप्रेसेंट्स जो लोग लेकर ठीक होते हैं, ठीक है, मैं उन लोगों के बारे में पहले बता देता हूं। हालांकि एंटी डिप्रेसेंट मुझे भी प्रिस्क्राइब किए गए थे, बट लेकिन मैंने लिया नहीं था, ठीक है, क्लियरली मैं बता रहा हूं, मैंने कोई एंटी डिप्रेसेंट नहीं लिया था। क्योंकि कैसा होता है ना, मैंने आज जो लोग भी मुझे कॉन्टेक्ट करते हैं, कुछ लोग 6 महीने से एंटी डिप्रेसेंट खा रहे हैं, कुछ लोग 3 महीने से खा रहे हैं, कुछ लोग अभी शुरू भी किए हैं, बट लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि एंटी डिप्रेसेंट अगर हम लेकर एंजाइटी को ठीक कर रहे हैं तो एंटी डिप्रेसेंट कर क्या रहा है आप लोगों के साथ। जैसे कि अगर मान लो कि आपको आपको एंजाइटी हुई है, ठीक है, अब आपने आपको जब भी ऐसा अनइजीनेस फील हो रहा है या रेस्टलेसनेस फील हो रहा है या थोड़ा सा डर घबराहट बेचैनी आपको फील हो रही है, हार्ट बीट तेज हो रही है या आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है या आप डर रहे हो, तो आप क्या करोगे, सिंपली वो सप्लीमेंट उठाओगे और खा लोगे, है ना, ये बहुत सिंपल है। तो वो सप्लीमेंट्स आपको क्या करता है, वो सारे डर बेचैनी घबराहट और एंजाइटी से दूर रखता है, आपको उसे उसके सामने नहीं लाने देता। बहुत अच्छे से समझो दोस्तों, जिस दिन ये समझ जाओगे उस दिन आप अपनी एंजाइटी से लड़ना शुरू कर दोगे, ठीक है। क्योंकि यही चीज मेरी मोटिव थी और ये मैं अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं, ठीक है। तो वो एंटी डिप्रेसेंट करता क्या है कि हम जो फेस कर रहे हैं उसे फेस करने के बजाय हमें दूर फेंक देता है, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है, जब हम एंटी डिप्रेसेंट लेते हैं तो क्या होता है, धीरे धीरे हम पहले स्टार्टिंग पॉइंट पे क्या होता है, 5 mg के हमें सप्लीमेंट्स देते हैं, फिर वो धीरे धीरे काम करना बंद कर देती है, हमारी बॉडी को वो हैबिट हो जाती है, तो हमारी बॉडी और ज्यादा मांगती है ना। तो हम क्या करते हैं, फिर 10 mg पे शिफ्ट होते हैं, फिर 15 mg पे, फिर 20 mg पे, ऐसे मतलब धीरे धीरे वो लेवल इंक्रीज होता है। बट लेकिन आप लोग ये नहीं जानते कि वो अंदर ही अंदर आप लोगों को खाया जा रहा है ना। तो मैं ये बताऊंगा कि एंटी डिप्रेसेंट आप लोगों को एंजाइटी से दूर रख रहा है, आप लोगों को फेस नहीं करने दे रहा है दोस्तों, आप लोगों को उसे फेस करना होगा। अब मेरे अकॉर्डिंगली अगर आप मानते हो, जैसे कि मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंगली अगर मैं आप लोगों को बताऊं, तो मेरा मोटिव ये था कि चाहे मैं मर जाऊं, चाहे जो कुछ हो जाए, बट ये साला सप्लीमेंट नहीं लूंगा मैं, ठीक है। क्योंकि ये सप्लीमेंट से मैंने बहुत सारे रिसर्च देखे हैं, बहुत सारे आर्टिकल्स मैंने रीड किए हैं, बट लेकिन ये बहुत बेकार कर देती है हमारी लाइफ को, कुछ कर नहीं पाते, बस बेड पे लेटे रहते हैं और कुछ भी नहीं, ठीक है। तो ये चीज हमें ध्यान देना होगा। तो उस टाइम पे मैंने क्या किया, डिसाइड, मैंने बहुत लोगों का देखा भी है दोस्तों कि एंटी डिप्रेशन खाने के बाद ठीक भी हुए हैं और जैसे ही एंटी डिप्रेशन का लेवल कम हो जाता है तो उनको फिर से ये प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, फिर से वो लोग एंटी डिप्रेशन लेना शुरू करते हैं। ये एक होती है फर्स्ट पॉइंट। अब सेकंड पॉइंट ये होती है कि जैसे मेरी तरह कुछ लोग होते हैं जिन लोग बहुत जिद्दी होते हैं कि नहीं, मुझे कोई सप्लीमेंट नहीं लेनी है, मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है तो मैं इसे फेस करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मेरी मौत भी क्यों ना हो जाए। हालांकि ये इस मोमेंट पे एंजाइटी में, स्पेशली एंजाइटी में, सिर्फ हमें थॉट्स आते हैं मरने के, सुसाइडल थॉट्स आते हैं, नेगेटिव थॉट्स आते हैं, डीपर्सनलाइजेशन होते हैं, सारी चीजें अजीब सी दिखाई देती है, समझ नहीं आता कि ये हम खुद ही है या जिंदा भी है या मर चुके हैं, ऐसे बहुत सारे कंफ्यूजन होते होंगे आप लोगों के साथ, मैं जानता हूं। और खुद मतलब इतना डरावना वो मोमेंट होता है कि हम शांत हो जाते हैं, किसी चीज में कोई मन नहीं लगता कि कोई क्या बात कर रहा है, कुछ समझ नहीं आता,
बस हम खुद एक रूम में बैठे रह जाते हैं और समझ नहीं पाते कि हो क्या रहा है हमारे साथ, बस यही चीज सोचते रहते हैं कि कुछ हो तो नहीं जाएगा, कुछ हो तो नहीं जाएगा। ये सेकेंड पॉइंट की बता रहा हूं, जो लोग एंटी डिप्रेशन बिना सप्लीमेंट्स के ठीक कर रहे हैं, तो ये चीज होती है। तो उस मोमेंट में मैं क्या करता था, मैं कैसे लड़ता था वो मैं आप लोगों को बताता हूं। जब कभी भी, मतलब स्टार्टिंग में तो मैं कंट्रोल नहीं कर पाता था, मुझे ये सारी चीजों को लाइक बहुत ज्यादा डर जाता था, मैं ये सारी चीजें जब भी मेरे साथ होती थी मैं बहुत ज्यादा डर जाता था। कोई भी चीज अगर छोटी भी सिम्टम्स अगर मेरी बॉडी में हो जाती थी या कोई भी अगर ऐसे थॉट्स मेरे माइंड में आते तो मैं बहुत ज्यादा डर जाता था। बट एक ऑलमोस्ट 7 to 8 मंथ होने के बाद मुझे ये रियलाइज हुआ कि ये थॉट सिर्फ और सिर्फ मुझे परेशान कर रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो उस वक्त मैंने डिसाइड किया कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मैं यहां पर मर भी क्यों ना जाऊं, क्योंकि उस टाइम पे मुझे डेथ वाली न्यूज से, किसी की बीमारियों से या घर से बाहर निकलने से मुझे बहुत ज्यादा डर लगता था। तो मैंने धीरे धीरे क्या करना स्टार्ट किया, मैंने धीरे धीरे घर से बाहर निकलना स्टार्ट किया। मैंने हाँ, मैं डर कर वापस से आया भी था घर पे, पर मैं हार नहीं माना था दोस्तों। मैंने फिर से ट्राई किया, मैंने अगले दिन फिर से ट्राई किया, क्योंकि उस टाइम पे मुझे जिद्दी बनना बहुत जरूरी था। अगर मैं वो जिद नहीं करता तो मेरे ऊपर वो एंजाइटी हावी होती जाती, और वही मेरे साथ हुआ पिछले 6-7 महीनों से। मैंने उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया तो वो बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई और इतने लेवल पर आ गई कि मैं घर से बाहर भी नहीं निकल सकता था, किसी से 2 शब्द बात नहीं कर पाता था। तो ऐसे मोमेंट पे मुझे एंजाइटी ले लाकर छोड़ दिया था। तो मैं करता भी क्या दोस्तों, मैंने एक डिसाइड कर लिया कि चाहे जो कुछ हो जाए, मैं मर भी क्यों ना जाऊं, बट अब मैं घर से बाहर निकलूंगा और मैं घर पे जल्दी आने की कोशिश नहीं करूंगा, ठीक है। तो एक दिन मैंने डिसाइड किया, 2 दिन मैंने डिसाइड किया कि हाँ मैं निकलूंगा, बट 1-2 दिन मैं फेल्ड हुआ दोस्तों, मैं झूठ नहीं कहूंगा, मैं फेल्ड हुआ, मैं डरा, मैं घर पर आया, बट मैंने फिर से वो पैटर्न को फॉलो किया, मैं फिर से घर से बाहर निकला। और घर से बाहर निकलने के बाद जब भी मुझे पैनिक अटैक आए तो मैं घर के बाहर ही बैठ गया और मैं रास्ते पर सोया भी हूं लिटरली, कि चाहे मैं यहीं पर लेटे लेटे मर जाऊं दिक्कत नहीं है, बट मैं घर पर नहीं जाऊंगा चाहे जो कुछ हो जाए, क्योंकि इतने टाइम से मैं फेस कर रहा हूं, मुझे कुछ नहीं हुआ तो अभी भी कुछ नहीं होगा, ये मेरे एक मन में बात चली रही थी दोस्तों। तो वो एक चीज थी, ठीक है। अब धीरे धीरे हुआ क्या कि मेरी जो, मतलब बोलते हैं ना, मोटिवेशंस हो गई, कॉन्फिडेंट लेवल बोल लो, वो मेरी धीरे धीरे डेवलप होने लग गए। फिर मैंने धीरे धीरे ट्राई किया कि जो लोग मर रहे हैं, मतलब जो कोई भी मरता है, तो उनके फ्यूनरल में जाना, उनके डेथ सेरेमनी में जाना, उनसे देखना बॉडी कैसे बर्न हो रही है, ये सारी चीजों का मतलब, हालांकि ये आप लोगों को बहुत सुनने में दिक्कत होगी, बट ये फैक्ट मैंने किया है दोस्तों, मेरे रियल लाइफ में मैंने किया है ना। क्यों किया है, क्योंकि मैं ये सारी चीजों से डर रहा था, किसी की डेथ वाली न्यूज से सुन लेता था तो मैं डर जाता था। फिर ऐसे धीरे धीरे करके मैंने अपने सारे एंजाइटी को एक एक कर फेस किया। सबसे पहले घर से बाहर निकलने से डरता था तो मैं घर से बाहर निकलना शुरू किया, फोर्सफुली खुद को घर से बाहर लेकर जाना शुरू किया। फिर किसी की भी डेथ होती थी तो मैं वहां पर डेथ सेरेमनी में जाता था, वहां पर बॉडी जलते हुए देखता था, कोई गाड़ते थे तो वो देखता था। मैं बहुत कुछ कर चुका था दोस्तों, अपनी एंजाइटी के लिए बहुत कुछ फेस कर चुका था मैं। इनफैक्ट यूट्यूब पे ऐसे वीडियोस देखता था कि मतलब किसी का एक्सीडेंट हो गया है तो क्या होगा, वो मर तो नहीं गया है, मतलब ऐसे ऐसे वीडियोस में देखना शुरू कर दिया था। मतलब जो चीजों से मुझे ज्यादा डर लगता था दोस्तों, वो चीजों के लिए मैं ज्यादा अभी देखने के पीछे भागने लग गया। और लिटरली मैं आप लोगों को बता दूं ना दोस्तों, जब आप ये ट्राई करना शुरू करोगे ना, मतलब एंजाइटी आ रही है, कुछ लोग हैं कि झेलते हैं उसे, बट ऐसा नहीं करना है दोस्तों, उसे इग्नोर भी नहीं करना है, उसे खत्म करना है तो आपको उसे फेस करना ही होगा। और स्टेप बाय स्टेप जाओ ना दोस्तों, ऐसा नहीं है कि आप सभी एक ही दिन पे कर लो। 1 हफ्ते आप पहले घर से बाहर निकलो, धीरे धीरे आप घर से बाहर निकलो, फिर जैसे ही आपके अंदर कुछ कॉन्फिडेंट लेवल बिल्डअप होगी तो आप फियर ऑफ डेथ के ऊपर काम करना शुरू करो। आप खुद को ये अफर्मेशन दो कि एक ना एक दिन सभी को मरना ही है, जो मैं खुद देता था वही मैं आप लोगों को एक्सपीरियंस कर रहा हूं। एक ना एक दिन तो सभी को मरना ही है, तो मैं क्यों कायरों की तरह जियो, मैं भी खुलकर जीऊंगा और जब मौत आनी है आ जाएगी, मर जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी फिलहाल मैं यहां पर से हटूंगा नहीं और ना ही मैं यहां से भागूंगा कहीं भी। ये जिद आपके अंदर भी होना चाहिए, तब जाकर आप ये सारी चीजों से बाहर निकल पाओगे दोस्तों, ठीक है। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को समझ आया होगा, ठीक है। अगर समझ आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और लोगों को सिखाइए कि कैसे लड़ते हैं एंजाइटी से दोस्तों, ठीक है। अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए और हमेशा पॉजिटिव रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों।